मैं पूजा पिथलिया गुरुकुल एकेडमी से आपकी हिंदी टीचर आज आपको क्लास 8 का फर्स्ट लेसन ध्वनि पढ़ाने जा रही हूँ। पाठ का नाम है ध्वनि और इसके लेखक हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी, है ना। पहले अपन इस कविता के कवि के बारे में, उनका जीवन परिचय के बारे में बात कर लेते हैं, है ना। पहले निराला जी का जन्म 1897 ईस्वी में हुआ, बंगाल के महिषादल राज्य में दिनीपुरक नामक गांव में हुआ था। इनकी आरंभिक शिक्षा घर पर ही हुई। उन्होंने बंगला, संस्कृत और अंग्रेजी का अध्ययन कर घर पर ही किया था। उनके साहित्य के अलावा दर्शन शास्त्र और संगीत में भी रुचि थी। वे अपने निराले व्यक्तित्व के कारण ये हिंदी साहित्य जगत में निराला उपनाम से भी प्रसिद्ध है। निराला इनका क्या है, उपनाम है ना। अब पढ़ेंगे पहला, अभी न होगा मेरा अंत, अभी अभी भी तो आया है मेरे वन में मृदुल वसंत, अभी न होगा मेरा अंत। कवि इस कविता में बसंत ऋतु के माध्यम से लोगों में नव चेतना को उजागर करना चाहते हैं। कवि कहना कहता है कि मेरे कवि जीवन का अभी अंत नहीं हो सकता। जिस प्रकार बसंत आते ही प्रकृति सुंदर प्रकृति होती है और चारों उल्लास का वातावरण छा जाता है, उसी प्रकार मेरे जीवन में भी बसंत का आगमन हुआ है और मेरे अंदर नया ज्ञान और नई भावना, ऐसी आशा और प्रसन्नता ने जन्म लिया है, इसलिए मेरा अंत अभी नहीं हो सकता, है ना। इसमें बता रखा है मृदुल मतलब कोमल, वन मतलब जंगल, पाद में पत्ते, कोमल में मुलायम, ठीक है। फिर आगे है, हरे हरे ये पाद डालियां कलियां कोमल गात, मैं ही अपना सुवन मृदुल कर फेरूंगा निर्दित कलियों पर, जगह एक प्रत्युष मनोहर। बसंत के आने से चारों हरियाली छा गई है, डालियां कलियां और कोमल पत्ते बहुत सुंदर दिखाई दे रहे हैं। कभी आगे कुछ कहते हैं कि कुछ कलियां अभी सोई हुई है। क्या हुई है, सोई हुई है, उन्हों अर्थात बंद है। मैं उन अलसई कलियों कोमल हाथ से फेर कर उन्हें जगाऊंगा और प्रभात, प्रभात मतलब सुबह के आने का संदेश दूंगा। अर्थात जो लोग अज्ञानतावश अंधकार से जी रहे हैं, उन्हें अपने स्नेह स्पर्श के ज्ञान रूपी प्रकाश से भर दूंगा। उसी प्रकार कभी भी अपनी कविता के नए नए ओजस्वी विषयों के माध्यम से युवाओं में उत्साह का संचार करके उन्हें आलस्य से जगाकर सही मार्ग पर लाकर एक नई आशा से भविष्य का निर्माण करेंगे, जिससे वे सुपथ पर आगे बढ़ सकें। अब दूसरा है, पुष्प पुष्प से तंद्रा लालसा खींच लूंगा मैं, अपने निज जीवन का अमृत सर्ष सिर्ज दूंगा मैं, द्वार दिखा दूंगा फिर उनको, हे मेरे वे जहां अनंत, अभी न होगा मेरा अंत। कवि कहते हैं कि जो अकलियां हैं आलस से ही खींच लूंगा उनका आलस और खुशी खुशी अपने जीवन के अमृत से उन्हें खींच कर उन्हें हरा भरा कर दूंगा, अर्थात उन्हें अपना अमृत रस डालकर नव जीवन का संचार कर दूंगा। उसी प्रकार निराश लोगों के मन को आशा से भर दूंगा। जिस प्रकार मैंने खुशी से जीना सीख लिया है, उसी प्रकार मैं देश के दुखी व निराश व्यक्तियों के जीवन को सफल और सुखी बना दूंगा। अभी बहुत समय तक अपनी रचनाओं से समाज का मार्गदर्शन करता रहूंगा। अब इसके आगे हैं क्वेश्चन आंसर है, वो आपको करने हैं। इसका आपको फोटो खींच के और जिसके पास बुक है वो बुक में से कर लेना क्वेश्चन आंसर, ठीक है, ओके।